पंजाबी हाई सिक्योरिटी जेल नाबालिग पर फिर तो सुर्खियां दे विच है। इत्थे जेल प्रशासन वालों चलाए गए तलाशी अभियान दे विच 9 मोबाइल फोन बरामद होए ने। इस अलावा 43 जर्दे दियां पूड़ियां, 7 सिगरटियां टप्पियां, एयरफोन, चार्जर, डेटा केबल अते 55 कैप्सूल ते 76 नशीलियां गोलियां बरामद होईयां ने। इह सारा समान इक लिफाफे दे विच भरिया होया सी ते जेल प्रशासन दा कहना है कि इह सारा समान लिफाफे दे विच पैक करके जेल दे अंदर सुट्टिया गया सी। हालांकि इस बरामदगी तो बाद जेल प्रशासन दे दावे ते कई तरह दे सवाल भी खड़े हो रहे ने। पंजाब दे विच आम आदमी पार्टी दी सरकार बनन तो बाद हुण तक 710 मोबाइल फोन बरामद हो चुके ने। सीएम भगवंत मान ने खुद एक गल कबूली है कि इन्हां मोबाइल फोन दे जरिए जेलां दे विच बैठे गैंगस्टर ते क्रिमिनल अपना नैटवर्क चलाउंदे ने अते उन्हां दे वल्लों चेतावनी भी दित्ती गई सी कि जो भी अजिहे काम कर रहे ने, जो भी अपराधी इन्हां कामां दे विच लिप्त ने, उन्हां दे नाल सख्ती दे नाल निपटिया जाएगा। पर बावजूद इस दे जेलां दे विचों अजिहियां बरामदगियां होना वड्डे सवाल खड़े कर रहे हैं। हालांकि कुछ दिन पहला ही जेल मंत्री दे वल्लों जेलों के VIP कल्चर खत्म करने की गल कही गई सी ते नाल ही नाल जेलों की सुरक्षा नूं लैके भी वड्डे दावे किए गए सी। पर बार बार अजिहियां बरामदगियां हो रही ने। जेल प्रशासन दे वल्लों लगातार सर्च ड्राइव भी चलाई जा रही है जेलों के विच, पर आए दिन वड्डियां बरामदगियां हो रही ने। पंजाब की हाई सिक्योरिटी जेल नाभा दे विचों ये 9 मोबाइल फोन बरामद हुए ने। 43 जर्दे दियां पुड़ियां, सिगरट दियां डब्बियां, एयरफोन, डेटा केबल अते नशीलियां गोलियां बरामद हुई ने। लिफाफे दे विच ये समान भरिया होया सी जिसनों की जेल के अंदर सुटिया गया से। अजिहा जेल प्रबंधन का कहना है, उस जेल प्रबंधन के वलों ये दावा किया गया है कि यह समान पैक करके जेल के सुटिया गया है। हालांकि इस बरामदगी तो बाद जेल के सुरक्षा दावों से भी सवाल हुण तक खड़े हो रहे हैं। पंजाब दे विच आम आदमी पार्टी सरकार बनने तो बाद सर्च ड्राइव चलाई गई है ते हुण तक 710 मोबाइल फोन बरामद हो चुके हैं। लगातार जिले की सुरक्षा वधाउण दे दावे भी किए जा रहे हैं, पर बावजूद इसते इस तरीके दीयां बरामदगियां हजे भी हो रही ने। पिछले समय के दौरान पंजाब सरकार दे वल्लों मान्योग जेल मिनिस्टर साहब दे वल्लों अते मान्योग ADGP जेल्स जी दे वल्लों सारियां जेलां नूं भी सख्त हदायतां जारी हुई हैं कि जेलां दे अंदर जो भी क्रिमिनल्स लोग बंद हैं उन्हां दे उत्ते कानून अनुसार जो है कार्रवाई किए जाण नूं यकीनी बनाया जाए। जेलां दे अंदरों मोबाइल फोन अते होर वर्जित वस्तुआं जो भी बरामद हुंदियां ने, जो इन्हां कोल हैगियां ने, समगलिंग कीतियां ने, उन्हां नूं कढ़िया जाए। अते इस दे नाल ही ये भी हदायतां सानू प्राप्त हुई सन कि इन्हां चीज़ां नूं जेलां दे अंदर आउण तों रोकण लई भी ठोस कदम चके जाण। सो इन्हां हदायतां की पालना करते हुए पिछले कुछ समय तो जेलां दे अंदर नवीं जिला जेल नाभा दे अंदर असीं एक सर्च मुहिम चलाई हुई है। इस सर्च मुहिम के दौरान पिछले करीब 2-3 महीनों तो काफ़ी वड्डी मात्रा दे विच असीं मोबाइल फोन अते होर वर्जित वस्तुआं बरामद कीतियां ने अते उन्हां बंदियां दे खिलाफ कानून अनुसार कार्रवाई करन लई पुलिस नूं इह सारा कुछ मामला उन्हां दे ध्यान च लिआंदा गया और पुलिस वल्लों भी कार्रवाई कीती जा रही है। और जिस दे नाम ते इह सिम कार्ड जारी होए होणगे, जिन्हां दे नाम दे उपर इह मोबाइल फोन बाय कीते होणगे, उन्हां दे EMI नंबरस चैक करन उपरंत उन्हां ते ठोस कार्रवाई कीती जाएगी। इस भारी मात्रा दे समान पहुंचे गए ने सर, बाउंड्री वॉल दे आले दुआले सफाई नूं लैके भी कोई खास प्रबंध कीते गए? मैं इसे लगातारता दे विच तुहानू दसना चाहूँगा कि यह जो नवीं जिला जेल नाभा है यह बिल्कुल खेतों के बनी हुई है और इस दे चारों पासे खेत और खुला एरिया है और इतों मेन दीवार के उपर दी काफ़ी वार साढ़े को थ्रो दे इंसीडेंसेस सामने आए ने। पिछले परसों का ही इंसीडेंट है, अर्ली मॉर्निंग असी रिकवर किया है कि रात को कुछ शरारती अंसर ने जेल के अंदर 5 पैकेट जो है वो थ्रो किए मेन दीवार के उपरों और जब उन्होंने पैकेट्स नू खोल के चैक किया गया तो उन्होंने विचों करीब 9 मोबाइल फोन बरामद हुए, जिन्हां दे विच 3 काफ़ी वड्डे टच स्क्रीन मोबाइल फोन सी जो काफ़ी महंगे और काफ़ी सोफिस्टिकेटेड असी कह सकते हैं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के मोबाइल फोन सन। और इस तों इलावा नशीलियां गोलियां, नशीले कैप्सूल, चार्जिंग वायरस, ईयरफोन्स और होर भी नाल निका मोटा समान जो है वर्जित वस्तुआं बरामद हुई हैं, जिस संबंधी कार्रवाई करते हुए असी लोकल पुलिस स्टेशन नूं कार्रवाई करने लिए लिखा है। सो यह एक बहुत बड़ा कारण है कि जेलों के मेन वॉल के उत्तों बैरिक्स जो है वो मेन वॉल्स के बिल्कुल नाल बनिया ने और थ्रो
कारण कई बार इस तरह होंदा है कि वह चीज़ सीधी बंदियों की बैरिक के अंदर ही गिरती है। इस तो पहला कि मुलाजम जाके उसनू काबू करन, बंदी उस चीज़ को छुपाने कई बार कामयाब हो जाते हैं, लेकिन इसनू भी असी कर्ब कर रहे हैं। यह प्रॉब्लम असी बहाना नहीं बना सकते कि जेलों के अंदर ये चीज़ा इस करके ने। इट इज़ आर ड्यूटी कि जो भी कारण रहन असी इन्हां चीज़ों को काबू करके और आने वाले समय के भी असी इन चीज़ों पर होर सख्ती करते हुए करांगे। और मेन वॉल की सफाई नाल संबंधित भी असी मुहिम चलाई है। मेन वॉल दे नाल वी आर ट्राइंग के एक 15 to 20 feet का एक रस्ता असी बनाइए। फिलहाल तो वह खेत ने, बट विद इन 2-3 days मेरी मेन वॉल के आसे पासे दी असी अपनी QRT जो गड्डी है उसका राउंड लावांगे। 3-4 दिन के गेड़े लगावांगे, 3-4 रात नूं उसकी सर्वेलेंस होएगी ताकि जो ऐसे शरारती अंसर हैं उन्होंने डेटरेंस दी जा सके। जिहड़े थ्रो गैरे सिट्टदे आ बाहर बैरिक चलदे आ, अंदरों कोई इनपुट दित्ते जांदे होगी तां ही वो जिहड़ा समान सही जगह ते लोकेशन ते लोकेट हुंदा। इस गल तो इनकार नहीं किया जा सकता क्योंकि जो असं मोबाइल फोन अंदरों फड़ रहे हैं तो इट मीनस वो मोबाइल फोन कितना ना कितने इस चीज़ लिए भी यूज़ होंदा होएगा। बट यही चीज़ लिए असी इसकी इन्वेस्टिगेशन करने लिए मामला पुलिस नूं दिता है। जो पहला रिकवरीज कीतियां असी तुरंत पुलिस नूं इस बारे इतलाह करते हैं। और माननीय ADGP जेल्स के वलों एक ऐसी टीम भी बनाई गई है जिस विच पुलिस दे ऑफिसर एक नोडल ऑफिसर बनाए गए हैं और एक जेल तो ऑफिसर नोडल ऑफिसर बनाए गए हैं जो ये चीज़ देखेंगे कि जो मोबाइल फोन या जो भी वर्जित वस्तुआं जेल च रिकवर हुई ने उन्हां दी बरीकी नाल तहकीकात हो रही है कि नहीं। सो ये नोडल ऑफिसर आपस में तालमेल करके दोनों डिपार्टमेंट्स की बैटर कोआर्डीनेशन लिए काम कर रहे हैं। मुलाजम देखो सिक्योरिटी एस्पेक्ट्स नूं रखते हुए मैं एग्जैक्ट नंबर से नहीं दे पाऊँगा, बट हाँ ये जरूर कहूँगा कि काफ़ी शॉर्टेज स्टाफ की हैगी है। प्रिजनर्स इस टू स्टाफ रेशो की काफ़ी कमी है, लेकिन खुशकिस्मती है कि साढ़े करीब 800-900 मुलाजम भर्ती हो रहे हैं नवे, जो कि आई थिंक लास्ट स्टेज के उत्ते है विद इन अ मंथ और सो मे बी लेटर दैन दैट मे बी उस तो भी अर्ली हो जाए। साढ़े को 800-900 मुलाजम जेलों आ रहे हैं। ये पंजाब सरकार का बहुत अच्छा उपराला है, सानू इसकी जरूरत सी। दैनिक सवेरा टीवी दिल्ली नाभा तो तरुण मेहता की रिपोर्ट। भारत के नंबर एक तंत्रिक गुरु शान जी बंगाली गोल्ड मेडलिस्ट 64 शक्तियां के माहिर बंगाल तो सिद्धि प्राप्त। हर जगह तो निराश ते मायूस होए भैन भरा एक बार जरूर फोन करो, हर समस्या का हल घर बैठे फोन ते। माय प्रॉमिस 100% रिजल्ट। लव मैरिज सौंकन दुश्मन तो छुटकारा, पति पत्नी च कलेश कीता कराया, विदेश यात्रा, नौकरी कारोबार विच परेशानी, कोर्ट केस रुसे नु मनाना होवे तब फोन करो, 101वीं सदी समाधान पाओ। महावशीकरण ते महामुटकरणी दे सुपर स्पेशलिस्ट गुरु शान जी बंगाली। मोबाइल 99 586 35 478।